उसके बाद ये फ्लूइड चैप्टर जो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन में ना हम लोग को सबसे पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, दोनों ही तरीके से आपको समझना जरूरी है। एक मिनट, जैसे हमारे पास एक क्यूब है, यहाँ पूरा ना मैंने ये ट्यूब बनी हुई है, मान लो यहाँ मैंने पूरे वाटर ले लिया, ये ऐसे वाटर के अनगिनत मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे कंटेनर है नीचे में पूरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो हमने वाटर को ऐसे रखा ला करके, तो क्या देखा जाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो खुद का जो फोर्स होता है, आपस में जो फोर्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो वाला जो फोर्स होता है वो वीक होता है। लेकिन इसका जो फोर्स ग्लास के साथ होता है ना, ग्लास को ज्यादा जोर से पुल करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये ग्लास की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये ऐसे ग्लास की तरफ जाकर के वो चढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और देखो ये जो शेप जो होती है ना, ये एक ऐसी शेप ले लेता है यहां पर, देखो देखो ये ऐसे शेप ले लिया। इसको अगर हम यहां से देखें तो ये गुफा जैसा लगता है, देख रहे हैं हम, केव। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन वाटर वाटर, इसलिए ऐसे ऊपर रखे उड़ जाता। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो यही स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या होता है, ये हल्का सा ऊपर उठने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। एक कंटेनर में क्या होता है, बहुत सारे वो होते हैं वाटर होते हैं, वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे ऊपर उठ जाता है। अगर हमने यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया जिसमें कि मान लो हमने ले लिया मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की खास बात क्या होती है? कि जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से ज्यादा चिपकते हैं। तो अगर मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये ग्लास से दूर जाते हैं, ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं ऐसे। ठीक है, ये मर्क्यूरी के पास ग्लास से दूर जाना चाहते हैं। इनका अगर हम शेप देखें ना मेनिस्कस का, ये शेप देखा जाए तो कुछ ऐसा हो जाता। ये देखो, ये है कॉनकेव, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये किस में बनता है? वाटर वाले केस में, मिथाइल आयोडाइड वाले केस में, ये बनता है मर्क्यूरी वाले केस में। ठीक है, और ये ऐसा मेनिस्कस बन जाता है। अच्छा, अब यहां पे हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो सिचुएशन होता है ना,
इसमें एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? हमने क्या किया यहाँ पे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया लिक्विड और सॉलिड के बीच में. ये देखो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया लिक्विड के ऊपर, और ये जो लाइन है ना ये ग्लास के लिए टेंजेंट है. ठीक है, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो वो खुद अपने आप को टेंजेंट बन जाती है ना. ये सर्कल में हम बोलते हैं टेंजेंट यहां पर है, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट कहाँ है, इसके अलोंगे तो टेंजेंट हो गया. तो यहां पर दूसरा टेंजेंट किधर हो गया, जो ग्लास पर है वो ये वाला हो गया. और हमने क्या कि यहां पर एक उस एंगल को मेजर किया हमने, ये एंगल को हमने मेजर किया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. जो एंगल होता है टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट द ग्लास सरफेस, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. और उस दो टेंजेंट के बीच में लिक्विड लाई करना चाहिए. जैसे देखो मैंने मैं एंगल ये एंगल पे तो ये भी तो बन सकता है, ये भी तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं है इसलिए यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया गया. क्लियर? तो याद रखना टेंजेंट बिटवीन ड्रॉन एट द लिक्विड सर्फेस एंड एट द ग्लास सर्फेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टेंजेंट शुड कंटेन द लिक्विड. आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखो ये टेंजेंट हमने यहां पर ऐसा ड्रॉ कर दिया, और अगर हमने यहां पर देखा ये एंगल देखा अगर, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा देख सकते हो यहाँ पे लिक्विड कंटेन हो रहा है. ये एंगल अगर मैं देखू ना तो ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, और अगर मैं ये एंगल को देखता हूं तो ये एंगल कैसा आता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो मैं पहले तो यहाँ पे तुम लोगों ने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट ग्लास एंड लिक्विड सरफेस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट ग्लास एंड लिक्विड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लिक्विड्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, द रीजन बिटवीन टेंजेंट मस्ट कंटेन लिक्विड. ठीक है, इसको फटाफट सबको नोट कर दो और एंगल फिगर को ड्रॉ करो. ठीक है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है 90 से कम होता है, 90 से ज्यादा होता है. 90 से कम कब होता है, जब वहां पर ये होता है क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कैसी होती है, जब ज्यादा होती है. ठीक है, ये एडहेसिव फोर्स हो गया ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, ये एडहेसिव हो गया, और ये कैसा हो गया, कोहेसिव हो गया. यहां पर तुम देख सकते हो फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास, फोर्स बिटवीन मर्करी ग्लास. मर्करी को मैं खाली एम से दिखा देता हूँ, एच जी का डबल अल्फाबेट आता है तो एम लिख देता हूँ मैं. ठीक है, इसको हाँ उसका फॉर्मूला होगा एंगल ऑफ एम ग्लास एम एम, ये बड़ा होता है, उसका भी हम आगे देखेंगे सब. अभी तो खाली स्टडी स्टार्ट किया हम लोग, इसको भी अभी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग इस पर.
ये इसको ना मैं ये जो तुमको मैंने सिखाया ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना, ये एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग इसी स्टडी को हम लोग एक लेवल और ऊपर लेकर के जाते हो। इसको फटाफट नोट करो सबको। कभी ग्लास से पानी लोगे ना देखना वहां पे थोड़ा सा पानी ऊपर से उठ जाता है थोड़ा सा। ठीक है आगे बढ़ते। जिसके लिए क्या कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा होता है वो लिक्विड क्या होता है उसका जो लिक्विड लिक्विड का फोर्स कैसा होता है उसके लिए ज्यादा होता है। उसका सरफेस टेंशन भी कैसा होता है ज्यादा होता है। जैसे मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन क्या होता है ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो भी कोहेसिव फोर्स पे इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो गया तो ऑब्वियसली बात है इसका कोहेसिव ज्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन भी कैसा होगा ज्यादा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। मान लो कि हमारे पास यही चीज को हम लोग एक तरीके से और पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे हमने कैपिलरी ट्यूब ले ली पूरा पानी से भरा हुआ है। अब यहां पर क्या देखा गया कि यहां से जो लिक्विड होता है ना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ये जो लिक्विड है ना जो ऐसा फ्लैट दिख रहा है हमको ये एक्चुअली फ्लैट नहीं रहती थोड़ा सा ऐसा उठ जाता है इस तरह से। यहां से भी ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ये क्यों उठता है इसकी वजह से क्या कहते हैं अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अगर यहां पर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो देखो इसी चीज को मैं एक्सप्लेन दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। देखो ये ऐसे क्यों उठा ऊपर क्यों उठा मैंने बोला कि यहां पे एक तो इस पे लग रहा होगा ऐसे करके फोर्स जो कि ग्लास और वाटर का होगा। ये कौन सा फोर्स होगा ग्लास और वाटर का। और यहां पे एक दूसरा फोर्स लगेगा यहां पे जो कि लगेगा वाटर वाटर का। ये वाला फोर्स वीक होता है ये वाला फोर्स स्ट्रांग होता है। कौन सा फोर्स होगा फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। ये कौन सा फोर्स होगा फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर जो कि वीक होता है। देखो मैंने ये डंडा बड़ा बनाया जो कि यहाँ पे फोर्स बड़ा है वेक्टर बड़ा बनाया। अभी अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसा जाएगा ऐसा जाता है। याद रखना है कोई दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज नियर टू द लार्जर फोर्स। ये बड़ा फोर्स है ना इसके नजदीक होता है। अब देखो ये अगर कर्व ऐसा जाएगा ना तभी तुम देखो अगर ये कर्व हमारा ऐसा जा रहा है ऐसे तो भी ये क्या होता है इस कर्व पे परपेंडिकुलर हो सकता है जिसके सेंटर ऐसा कहीं जाएगा। याद रखना ये जो लाइन जो तुमको दिख रही रेड वाली ये हमने क्या पढ़ के रखा था कि जो नेट फोर्स होता है कभी भी लिक्विड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था कल भी मैंने पढ़ाया था कि लिक्विड अगर ऐसे मूव करता है तो उसका एक्सेलेरेट करता है तो इसका सरफेस ऐसा हो जाता था कि नेट फोर्स ऐसा रहे फ्लैट पड़ा हुआ लिक्विड तो उसका सरफेस ऐसा होता है। लिक्विड का सरफेस हमेशा ऐसा अपना शेप लेता है ताकि उस पर नेट फोर्स लगने वाला कैसा रहे उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। तो परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये कर्व बनेगा और ये इसका रेडियस बन जाएगा इसके रेडियस के अलोंग होगा। ठीक है देख सकते हो अगर ये फ्लैट रहता ना यहाँ पे ठीक है और ऐसा फोर्स बनाते तो कब फ्लैट सरफेस ऐसा है और ये हमने अगर अगर ऐसा बना दिया तो ये एंगल कभी भी 90 नहीं बन सकता। ये 90 बनने के लिए क्या होगा इसको ऐसा थोड़ा कर्व जाना पड़ेगा कर्व जाएगा अगर ये ऐसा थोड़ा सा ताकि टेंजेंट बन जाए तब जाके इसके 90 बन सकता। तो ये कारण होता है कि आप ऐसा कर्व हो जाता। आई बात सबको समझ में ठीक है। तो लिक्विड यहां पे लिख देता हूं मैं लिक्विड राइजेस सो दैट नेट फोर्स इज
परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, यही चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी तुम लोग को, कोहेसिव एडहेसिव से। अरे यहाँ भी तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोहेसिव एडहेसिव से। ठीक है, कि ये ज्यादा क्या कहते हैं वो कोहेसिव होता है, ज्यादा एडहेसिव फोर्स होता है तो ऊपर उठा लेता है, वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी किताबों में ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम मैंने तुम लोग को ऐसा बता दिया। ठीक है, हम लोग को हर तरीके से चीज को समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, ये कौन सा वाला, ये मर्क्यूरी, ये वाटर का, ठीक है, HEG का। देखो HCl में क्या होता है कि मर्क्यूरी वाले केस में यहां पर जो जो लेवल ऊपर राइज करता ना लिक्विड का, ऐसे करके ये ऐसे ऊपर उठता है, मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है, डिप कर जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी में ऐसे क्या होता है, वो डिप कर जाता है। डिप कर जाने का मतलब क्या होता है कि क्यों डिप करता है, देखो यहां पर क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर देखा एक फोर्स ऐसे दिखाया, ये फोर्स पर ऐसे गया, ये फोर्स मेरा कौन लगाया, ग्लास लगाया मर्क्यूरी के ऊपर, और ये फोर्स कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैंने ये वाला फोर्स देखा ऐसा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा क्या। अब यहां पे अगर मैंने दिखाया मर्क्यूरी मर्क्यूरी का फोर्स, तो ये फोर्स ऐसे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, ठीक है, ये कैसा जाएगा, ये ऐसा जाता है कि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा ना यहाँ पे, वो कुछ ऐसा जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बड़े वाले फोर्स के नजदीक होता है। ठीक है, अब ये ऐसा जाएगा अगर, तो ये सरफेस क्या होगा, इस तरह से ऐसे अपने आप को कर्व करता है, ऐसा अपने आप को कर्व करेगा कि जो यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए ना, ठीक है, इसकी वो परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, दिस इज फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मर्क्यूरी एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये कर्व अपना कुछ ऐसा बनाएगा इधर का, ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसा बनाएगा, ताकि ये इसकी कैसा है परपेंडिकुलर कर्व, जो ये वाला जो कर्व बने यहाँ पे दिखाया रेड वाला, ये ऐसा कर्व बनेगा ताकि ये टेंजेंशियल हो और ये ऐसे इसके 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी सेम चीज तुम रख सकते हो, जो पॉइंट ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है, सेम चीज यहाँ से मैं ऐसा लिख सकते है। हमको अगर दोनों तरीके से समझ में आनी चाहिए चीज है, और यहाँ से अगर हम मेजर करके देखेंगे अगर हम लोग, तो यहां से भी हम जब मेजर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया अगर, तो हम यहाँ से एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हमको यहाँ से निकालने के लिए बोला जाए, ये ऐसे लिक्विड है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया ये यहाँ पे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, और हमने इसको ऐसा ड्रॉ किया, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, लिक्विड यहाँ पे है, ये हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक्यूट आ रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज आ रहा है। सबको आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछो।
मिनट, हेलो, हाँ कौन? क्लियर हो गया सबको इतना? आई होप सबको एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल से क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है? कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इट इज एंगल, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट्स। और दूसरी बात हमने ये भी देख ली वहां पे कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये 90 से कम हो सकता है, ये 90 से बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फोर्सेस। इसको हमने दो तरीके से पढ़ के, इसके में दो तरीके से इसके हमने एक्सप्रेशन भी सीख ली, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइज ऑफ लिक्विड। इन कैपिलरी ट्यूब ये जो टॉपिक है ना, इसको ये से इसका हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एच इक्वल टू जाता है 2s cos थीटा बाय आर रो जी। ये जो डेरिवेशन है ना, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हम देखेंगे प्रेशर के तरीके से और दूसरा हम इसको पढ़ेंगे बाय द मेथड ऑफ द ये फोर्स, ठीक है? सबसे पहले तो हम प्रेशर के तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? ये डेरिवेशन होगा बाय प्रेशर मेथड। यहां पे हमारे पास क्या एक ऐसे करके कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है और यहां पर क्या होता है कि इसको हम लोगों ने ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब हम इसको भरते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, लेवल जो होता है ना पानी का ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है? ये क्यों राइज करता है ना, इसकी हम लोग बात इसके बाद करेंगे, ठीक है? कैसे कोहेसिव एडहेसिव फोर्स काम करता है तो पता ही तुमको थोड़ा बहुत हो, लेकिन तुम डिटेल में भी समझेगा अभी। और जब ये राइज करता है ना ऊपर में, यहाँ पर क्या होता है, ये जो लिक्विड जो होता है ना, ये इस तरह से जाके ऊपर में कर्व बन जाता है सीधा। और ये जो एंगल यहां से जो हमको जो एंगल जो दिखता है ना, ये वाला, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है? और अगर मैं देखूं ये छोटा सा कर्व बनता है और ये जो है ना यहां पे ये हो जाता है स्मॉल आर विच इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। और अगर हम इसको ध्यान से देखें ठीक है, तो ये यहां से लेकर के ये हो जाता है रेडियस ऑफ द मिनिस्कस। ये जो दिख रहा था मिनिस्कस था, याद रखना, अगर मैं इसका बड़ा सा डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपिक डायग्राम पे बनाऊं अगर मैं, तो ये ऐसे बनता ऊपर मिनिस्कस, पानी ग्लास है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा जहां पानी और ग्लास मिलेगा, ये इसका रेडियस हो जाता है इस ट्यूब का जो कि स्मॉल आर है। और अगर हम इस मिनिस्कस को देखें ना, तो इस ये मिनिस्कस क्या है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये हमको एक हमको आर्क की तरह दिखता है सामने से। और इसका अगर हम देखें कंप्लीट सर्कल बना करके देखें, इसको कॉर्ड मान करके, तो हम देखेंगे कि ये ऐसे करके हो जाएगा, क्या ये इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ द मिनिस्कस कैपिटल आर। देखो मैं तुमको क्यों अलग से बना करके दिखा रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे दो रेडियस है, एक रेडियस ऑफ मिनिस्कस होता है और एक रेडियस ऑफ ट्यूब होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती है और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है देखो, क्योंकि तो ये हमको भी पूरा डिटेल में काम पड़ेगा। ये अगर एंगल थीटा होगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल हमारा, ये रेडियस है और ये हमारा क्या है, टेंजेंट है,
ये क्या टेंजेंट है ना, टेंजेंट किस पे बनाते थे हम लोग, टेंजेंट बनाते थे हम लोग मिनिस्कस के ऊपर, और मिनिस्कस का टेंजेंट और उसका जो रेडियस होता है कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। तो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड के रेडियस के साथ वो टेंजेंट कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये स्मॉल आर क्या हो गया, ये हो गया रेडियस फॉर द ट्यूब, ये वो रेडियस ऑफ द ट्यूब, और ट्यूब का जो वर्टिकल है ये तो 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो अगर ये 90 तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो समझना इस चीज को, मैं क्या समझा रहा हूं, ये अगर मान लो था हमारा ये अगर एंगल था 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाता 60 डिग्री, और ये एंगल हमारा हो जाता वापस से 90 माइनस 60 30 डिग्री। कहने का मतलब ये, समझना जो बोल रहा हूं मैं ध्यान से, कहने का मतलब ये कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस और जो मिनिस्कस होता है, जो लिक्विड, जो ये मिनिस्कस हुआ, जो लिक्विड, ये मिनिस्कस हो रहा लिक्विड वाला, उन दोनों के रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। इस चीज को समझने में कोई किसी को दिक्कत हो पूछ लो। क्या मैंने बोला, मिनिस्कस का जो रेडियस होता है और जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है एंगल, वो एंगल भी किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर ही होता है। तुम यहां से क्लियरली ये चीज देख सकते हो, ये देखो ये 90, ठीक है, एंड ये 90, ये 90 क्यों बना, ब्लू 90 क्यों बना, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होगा और जो वर्टिकल होगा उनके बीच एंगल 90 होगा ही होगा, ठीक है। ये 90 क्यों बना, रेड वाला 90 क्यों बना, क्योंकि जो मेनिस्कस का जो रेडियस होगा और जो टेंजेंट होगा, ठीक है, उसके बीच में एंगल 90 होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। दो 90 बन रहा है, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 90 है तो ये कितना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 पूरा है तो ये 90 बना 60 30 डिग्री हो जाएगा। देखो तो ये 30 तो ये भी 30 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मैंने इसे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि जो मिनिस्कस का जो रेडियस हो, मिनिस्कस का रेडियस और ट्यूब का रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इनका रिलेशन क्या हो जाएगा रेडियस का, तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन, बेस हो गया आर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल आर क्या हो जाएगा हमारा, आर बाय कॉस थीटा, इनके बीच का रिलेशन हो गया। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत तो पूछो, ठीक है। ये इसका ही जूम्ड है, इसको फटाफट नोट करो पहले, फिर हम लोग आते हैं और क्या कहते हैं राइज इन कैपिलरी ट्यूब में, जिसपे कि हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे एक्चुअली, इसको फटाफट सबसे नोट कर जाओ, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो पूछो।
फिर आगे बढ़े। अब हमसे पूछा जाएगा कि यहां पे कितना लिक्विड जो है राइस किया है, ठीक है। देखो यहां पर इस चीज को, ये ऐसे कंटेनर है, यहां पे ऐसे लिक्विड है, ठीक है, यहां पे ऐसे आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ऐसे यहां पे लिक्विड राइज करता, ऊपर ऊपर लिक्विड राइज किया यहां पे, तो ये कितनी ऊंचाई तक के लिक्विड राइज करेगा। देखो तो यहां पर अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, और पूरे लेवल पे प्रेशर तो पी नॉट ही होना चाहिए, यहां भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट पर देखूं, ये पॉइंट पे ये कर्व है, याद करो मैंने बता के रखा था कि कोई भी जहां पे भी जो कोई भी कर्व अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, वो हमेशा जो कॉनकेव साइड से जो प्रेशर होता है वो लेस होता है। मतलब जो मैंने बोला था कि प्रेशर इनसाइड अ स्फीयर क्या था, प्रेशर इनसाइड अ स्फीयर था वो बाहर के प्रेशर से कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, कितना ज्यादा था, तो P नॉट प्लस टू एस बाय आर था। तो एक चीज हमेशा याद रखनी तुमको कि यहां पे अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर मान लो P नॉट है, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस 2s by r, ठीक है। जैसे स्फीयर में क्या था, स्फीयर में ऐसा था लिक्विड, यहां पे ऐसा सरफेस लेते, हम नीचे से देखते हैं यहां पर प्रेशर कितना था, और यहां पर प्रेशर देखो ये वाला ऊपर की तरफ है ना, ठीक है, जो जो हमारा जो कॉनकेव साइड होता है वहां प्रेशर हमेशा कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो ये कॉनकेव हुआ, गुफा टाइप का बना ना इधर में, यहां पर प्रेशर कितना था, P नॉट प्लस टू एस बाय आर था, यहां प्रेशर कितना, P नॉट। इन द सेम वे अगर ऊपर में प्रेशर मान लो P नॉट है, तो यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यहां प्रेशर कम होना चाहिए, यहां पर प्रेशर का P नॉट है, तो मतलब यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस टू एस बाय आर होगा। प्रेशर एट द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, तो अगर यहां पर P नॉट है, यहां से ज्यादा कैसे होगा, जब यहां पे इस माइनस कर दोगे, ठीक है, जहां पे स्मॉल r क्या है, स्मॉल r जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, जो जो कैपिटल r जो है यहाँ पे, वो क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये पॉइंट को नाम देता हूं A, ये नाम देता हूं B, प्रेशर एट A इक्वल्स टू P नॉट माइनस टू एस बाय आर, रीजन प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर बाय टू एस मार बाय टू एस बाय आर, ठीक है। तो ऊपर तो एटमोस्फेयर, तो यहां पर पी नॉट होगा, यहां ज्यादा है, बी में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, पी नॉट है, ज्यादा कैसे हो सकता है, जब यहां पे माइनस होगा। अब देखो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर एटमोस्फेयर पी नॉट है, यहां पर पी नॉट है, लेकिन तुम सोचो यहां पर अगर प्रेशर अगर यहां पर हम देखें तो इसके ऊपर तो या इस पॉइंट के ऊपर ए है, यहां पर प्रेशर कम है, और इसके ऊपर तो ए आ रहा है, तो प्रेशर पी नॉट है, यहां पर तो प्रेशर कम है, तो यहां पर कैसे प्रेशर पी नॉट हो सकता है ना, यहां पर अगर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर प्रेशर कम है तो यहां पर प्रेशर कैसे ज्यादा हो सकता है। तो वो ज्यादा करने के लिए क्या होता है, यहां पे जो लिक्विड होता है ना, उसका जो हाइट h है, ये जो प्रेशर होता है ना, तो हम यहां पे लिख सकते हैं x पॉइंट, ठीक है, इसको x नाम दे दो, प्रेशर एट x इक्वल्स टू p नॉट माइनस टू एस बाय आर प्लस जो लिक्विड है h रो g इक्वल्स टू, यहां पे x पे क्या हो गया, नेट प्रेशर हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्रेशर एट p नॉट, लेवल तो सेम ही है, P नॉट बढ़ गया, तो क्या बोल सकते हैं, H रो जी इक्वल टू टू एस बाय आर
दिस इंप्लाइज दैट एच हो जाएगा 2s बाय आर रो जी इक्वल्स टू हो जाएगा 2s बाय आर कैपिटल आर क्या था देखो तो कैपिटल आर था स्मॉल आर बाय कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कॉस थीटा ठीक है ना स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ क्यूब ठीक है ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द लिक्विड रेस्ट ठीक है एक बार मैं तुमको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि ये लिक्विड राइज क्यों किया ठीक है तुमको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी देखो होता क्या है जब तुम इस सेटअप को बनाते हो ना इस तरह से समझना बहुत काम की चीज यही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है जहां पे हम इसको जब रखते ना इस तरह से तो होता क्या यहाँ पे कि लिक्विड लेवल ऐसा था मेनिस्कस ऐसा था यहां प्रेशर पी नॉट था यहां प्रेशर पी नॉट था यहां पे जब कर्व बनता ना यहां पे तो यहां पर जो प्रेशर होगा पी नॉट माइनस टू एस बाई आर उधर अब लेकिन चूंकि यहां पर प्रेशर कम है तो होता है कि यहां से लिक्विड ऐसा फ्लो करता है यहां से लिक्विड ऐसा फ्लो करता है ताकि यहां लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ जाए लिक्विड का जो लेवल होता है एच से बढ़ जाता है और लिक्विड यहां पे आ जाता है इन सच ए वे वो इतना हाइट बढ़ेगा ताकि जो पी नॉट माइनस टू एस बाई आर का जो जितना प्रेशर यहां पे कम हुआ था मिनिस्का कर्व की वजह से उतना प्रेशर यहां पे बढ़ जाए ताकि यहां पर प्रेशर कितना रहे पी नॉट के इक्वल ही रहे तो जितना 2s बाय r से कम हुआ था उतना एच रोजी से बढ़ेगा वही तो देखो तो जितना जितना 2s बाय r से कम होता उतना एच रोजी से बढ़ता है ठीक है और ऊपर चला जाता है ताकि यहां पे लेवल पे प्रेशर कैसा रहे सेम रहे आई होप सबको समझ में आ गया ना कोई दिक्कत किसी को पूछो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड ठीक है और हमेशा याद रखना कि कोई भी लिक्विड अगर स्टेशनरी अगर होता है तो उसके हर लेवल में प्रेशर कैसा होता है सेम होता है जी सब क्लियर हो गया अच्छा अभी थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं एच क्या आ रहा है टू एस कॉस थीटा बाय आर ओ जी जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वो लिक्विड ज्यादा राइज करेगा जिस ट्यूब का रेडियस छोटा होता है ठीक है वो लिक्विड जो होता है वो उसमें लिक्विड ज्यादा राइज करता है आर छोटा होता है तो हाइट कैसा रेंज होता है ज्यादा होता है जो भी प्लांट्स होते हैं ना ठीक है उनमें जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही नैरो होती है ठीक है बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती है तो उनका रेडियस कैसा होता है बहुत कम होता है जिसकी वजह से उनमें जो हाइट ऑफ द लिक्विड रेस्ट जो होती है ना वो कैसी होती है बहुत ज्यादा होती है ठीक है याद रखना इस लॉ को ठीक है दैट हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्लियर होगी बात सबको कोई दिक्कत किसी को याद तक की एच इक्वल्स टू टू एस कॉस थीटा ठीक है अच्छा याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखना हमारे नीट वाली बुक में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए इसमें उसमें भी दिए हुए एटी की बुक में भी दिए हुए उसको पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ जा रहा इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि जो हाइट जो लिक्विड राइज करता है ना इट डज नॉट डिपेंड इट वायलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखो सीधी सी बात है कि मानो लिक्विड अगर ऊपर राइज कर जाता है ठीक है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी हमने तो कोई वर्क किया ही नहीं फिर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो क्या होता है जब ऐसे कैपिलरी ट्यूब रखते हैं ना तो वहां पे लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा कम हो जाता है तो जो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो किसमें कन्वर्ट कर जाती है लिक्विड के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है ठीक है एक बात ये और यहाँ पर तुमको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अच्छा अगर ऐसा हो क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि मान लो जिस ट्यूब में हमने लिक्विड को लिया वो ट्यूब की अगर इनसफिशियंट लेंथ हो तो क्या होगा जैसे कि मान लो कि हमने हाइट मैक्सिमम निकाला जिसमें लिक्विड राइज करेगा वो हाइट मैक्सिमम आ जाती है हमारे फॉर्मूले से आती है 2 meter और ऐसा हमने रेडियस वेडियस सब सेटअप किया ठीक है हमने देखा 2 meter तक की राइज करेगा फॉर्मूले से हमने क्या किया हमने वही रेडियस का वही डेंसिटी सबको सेम रखकर हमने ट्यूब की लेंथ को कर दिया सिर्फ 1 meter ठीक है पानी कहां तक राइज करता है 2 meter तक हमने कितना रखा 1 meter तो क्या होता है उससे तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे फुहारे निकलेंगे ठीक है ये मत सोचना
यहाँ पर क्या होता है, अगर ऐसा हम लोग कोई केस लेते हैं तो लिक्विड का जो रेडियस होता है ना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर के ऐसा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि वो और ऊपर राइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, और रेडियस ऐसा एडजस्ट कर लेता है कि वो जो उसकी जो हाइट जो जितनी भी होनी थी वो 1 मीटर तक ही रह जाएगी, ठीक है। और लॉजिकल भी है ना, देखो जैसे लिक्विड ऊपर राइज करा था तो ये क्या था, इसको ये क्या कहते हैं, यहां पर हम ऐसा बोल सकते थे कि ये एडहेसिव फोर्स जो खींच रहा था, एक टाइम पे क्या होगा, ऊपर कुछ फोर्स ही नहीं खींचने के लिए, तो क्या होगा, वो नहीं ऊपर राइज कर पाएगा। ये जो चीज है ना, क्यों नहीं ऐसा वहां पे एडजस्ट कर जाता है, ये हम लोग फोर्स वाले कंसेप्ट हम लोग को बेटर वजह समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद कर लो कि राइज करते करते एक ऐसी लेवल तक क्या रहता है कि अगर वो पूरा ट्यूब इनसफिशियंट लेंथ की होती है तो वो अपने आर को एडजस्ट कर लेता है, जो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है वहां का, उसको एडजस्ट कर लेता है ताकि वो उस ट्यूब की हाइट के बाहर नहीं निकल पाता है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस समझ में आता है ना, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ये वाला रेडियस था, ठीक है, कैपिटल आर वाला, ठीक है। अगर ये कैपिटल आर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये स्मॉल आर भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर कम ने भी रिलेशन देखा था, क्लियर। तो सॉरी वहां पे थीटा चेंज कर जाएगा, सॉरी वो स्मॉल आर चेंज नहीं करेगा, वो तो ट्यूब का रेडियस फिक्स रहेगा, वहां पे थीटा क्या होगा चेंज कर जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पर चेंज कर जाएगा, ठीक है, इन सच ए वे कि वो लिक्विड क्या रहेगा ऊपर तक ही रह पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, रेडियस ऑफ मिनिस्कस चेंजेस इन सच ए वे दैट The liquid does not overflow. ठीक है, इसको बराबर सबको नोट कर दो। और उसके लिए बेटर फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला, ये तब यूज करना तुम्हारे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस से रिलेटेड है, ठीक है, तब ये यूज करो बेटर रहेगा। मुझे लिखा हुआ आगे देखो, इन दैट केस
हाँ उसका एंगल ऑफ कॉन्ट उसका जो एंगल होगा ना ठीक है वो ऑब्ट्यूज भी आएगा, लेकिन फिर उसके लिए ना वो टर्म हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं यूज कर सकते ठीक है, याद रखना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम फिर उसके लिए ये बोलेंगे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द लाइन ठीक है, उसके लिए हम लोग फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तभी वर्ड यूज होता है जब वो एंगल जब वहां पे ट्यूब की लेंथ सफिशियंट होती है ठीक है, तो वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वर्ड जो होगा प्रॉपर नहीं होगा वहां पे, खाली उसको खाली तुम वो लाइन रिपीट कर दो कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इट चेंजेस ठीक है। और उसके लिए क्या होता है हम वहां पे लिखते हैं H1 फॉर इनसफिशियंट लेंथ, ये वाला फॉर्मूला अधिकतर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है H1R1 इक्वल्स टू H2R2 ठीक है। क्या होता है कि मान लो अगर एक ट्यूब है बोला गया कि वो एक एक मीटर हाइट है, दूसरी ट्यूब है 2 मीटर हाइट है, रेडियस वेडियस सब कुछ सेम है ठीक है, और यहाँ और जो मैक्सिमम हाइट जो लिक्विड राइज करेगा वो है मान लो 5 मीटर, तो अब दोनों इनसफिशियंट लेंथ की है। इसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसका रेडियस अगर हमको दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर मिनिस्कस का, तो यहाँ बताओ रेडियस क्या होगा, यहाँ सीधी सी बात है H1 into R1 इक्वल टू H2 into R2, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि H क्या था 2S cos थीटा बाय 2S/R ρg था, तो अगर ऐसा कोई केस अगर आता है ठीक है तो मैंने क्या बोला कि लिक्विड जो था फ्लो नहीं करता है, तो इन सच ए सिचुएशन H into R क्या हो जाएगा 2S/R ρg, तो ये एस कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है ठीक है, तो H into R ये पूरा कांस्टेंट है, तो H into R कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हमने यहाँ पे 1 into रेडियस है 0.1, यहाँ पे H हो जाएगा 2, रेडियस हो जाएगा मान लो R, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा 0.1/2 दैट इज 0.05 मीटर सेंटीमीटर सॉरी ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ट्यूब कैसी होती है इनसफिशियंट लेंथ की होती है। ठीक है ना, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिख लो। सबको ट्राई करना, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस आर है, इसको इमर्स किया गया वाटर में और वाटर राइजेस टू हाइट एच, मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरीज 5 ग्राम, मास कितना है वाटर का 5 ग्राम जो राइज करता है ठीक है, ऐसे है रेडियस कितना है आर है, हाइट कितनी है एच है, वाटर कितना राइज करता है हाइट एच तक की, मास कितना राइज किया वाटर का 5 ग्राम। दूसरी कैपिलरी ट्यूब है का रेडियस कितना 2 आर है, इसको भी इमर्स किया गया वाटर में ठीक है, तो मास कितना यहां पे राइज करेगा, ठीक है यहां पे कितना वाटर यहां पे मास कितना राइज करेगा, हमारे पास ऑप्शन है 2.5 ग्राम और ट्यूब सफिशियंट लेंथ की है ठीक है, 2.5 ग्राम है, 5 ग्राम है, सी है 10 ग्राम, डी है 20 ग्राम, फटाफट बताओ ऑप्शन क्या होगा।
कुछ नहीं बोला जाना क्वेश्चन में, तो ट्यूब को हम लोग इनसफिशियंट सफिशियंट लेंथ की लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचो, रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो हाइट रेस्ट कैसा होगा? याद करो, एच इक्वल टू मैक्स टू एस कॉस थीटा बाय आर ओ जी। ये ट्यूब का रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इसका रेडियस है। समर चेक करो एक बार, खाली तुमको, खाली तुमने मेरी आधी बात सुनी है। आधी बात ये भी है कि हाइट का क्या होगा, और अगर रेडियस ट्यूब का डबल हो गया है तो उसमें पानी के वॉल्यूम का क्या होगा, सबको बताओ। सही है रचित, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर, पूजन चेक करो, नहीं 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 पूजन का सही है। नहीं पूजन का सही है, बाकी लोग रचित तुम्हारा गलत है, पूजन का सही है। दूसरी चेक करो, देखो तो यहां पर एक बात तो समझो कि जो हाइट जो होगी ना लिक्विड की जो राइज करेगी वो एच बाय टू होगा, ठीक है। अगर एच बाय टू होगा, और यहां पर एक चीज देखो तुम और, कि जो लिक्विड की हाइट होगी वो एच बाय टू होगा, और जो एरिया यहां पे, जो एरिया यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू फोर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाए ना अगर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाय टू, टू टू या फोर, दैट इज कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच और डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो कर दो, ठीक है, मास इंटू डेंसिटी। अच्छा यहां पे पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो क्या था, 5 ग्राम था, ठीक है, यहाँ पे 2 × 5 ग्राम दैट इज 10 ग्राम होगा आंसर, सी होगा। हाँ जिसका सी था ना वो सही था, एक्चुअली बुक में देखा तो गलत आंसर था, एक्चुअली इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या, इसका सी है, लूसी का सही था, रचित का सही था, ठीक है, 20 ग्राम बुक में आंसर दिया हुआ था डी, लेकिन करेक्ट है सी होगा। आई सबको बात समझ में, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक बोला कि 3 लिक्विड्स है जिसकी डेंसिटी है ρ1, ρ2 और ρ3, 3 लिक्विड है having the same value of surface tension, तीनों का surface tension same है, rise to the same height in 3 identical capillaries, तीनों जो height rise करता है ना, तीनों की height कैसी है, same है, H H H। तो of क्या question तुम्हारे सामने, angle of contact theta 1, theta 2, theta 3, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है तीनों के, ओबे पहला ऑप्शन है, पाई बाय टू इज ग्रेटर देन थीटा वन थीटा टू जीरो, थीटा वन लेस देन थीटा टू
लेस देन थीटा थ्री लेस देन पाई बाय टू, सी ऑप्शन है पाई बाय टू लेस देन थीटा वन लेस देन थीटा टू लेस देन थीटा थ्री लेस देन पाई, डी ऑप्शन है पाई इज ग्रेटर देन थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा थ्री ग्रेटर देन पाई बाय टू। ठीक है, तीन लिक्विड है, डेंसिटी कैसी है उसकी, रो वन रो टू रो थ्री, जहां पे रो वन बड़ा है रो टू से, रो टू बड़ा है रो थ्री से। ठीक है, और तीनों का सरफेस टेंशन क्या, टी 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 है तीनों के लिए। ठीक है, तीनों का हाइट रेट भी कैसा है, एच 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 है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उन वो इनमें से किस चीज को सेटिस्फाई करता है, सोचो जरा सा। सबको दो आंसर, ओके बाकी लोग भी दो। लूसी का सही है, रचित चेक करो एक बार, लूसी का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर, सही है जी वांशी, वेरी गुड। हाँ रचित तुम्हारा सही है, अब पूजन सही है, वेरी गुड। तो एक बात तो समझ लो कि जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना, सही है, वेरी गुड देव ना, यहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना, सही है ध्रुवा, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो जो हाइट रेंज होगी ना यहाँ पे सबके लिए, तो टू टी कॉस थीटा बाय आर हो जी, सबके लिए टी सेम है। ठीक है, डेंसिटी भी सबके लिए सेम है। ठीक है, और ट्यूब के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि हर एक ट्यूब का जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, थ्री आइडेंटिकल कैपिलरीज है। ठीक है, तो आइडेंटिकल सबका रेडियस भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी हाइट सेम है, तो जिसके लिए डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए थीटा भी कैसा होगा, तो रो इस प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। सब अगर हम देखते हैं सिमिलर है तो जिसके लिए डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए थीटा कैसा होगा, कम होगा। तो थीटा वन जिसके लिए डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए थीटा कैसा होगा, कम होगा ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है, तो थीटा वन, देखो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, ठीक है, ये और फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात कि राइज कर रहा है, ठीक है, राइज करने पे क्या होता है कि मैंने बताया था अभी कि अगर लिक्विड राइज करता है तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, नब्बे से कम होता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, सब लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कुछ सॉल्व पेन पेपर की जरूरत नहीं है इसके लिए, वेटेबिलिटी कितना वेट करेगा लिक्विड वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, या सरफेस टेंशन के ऊपर, क्या बोलते हो, कितना ज्यादा वेट करेगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी थीटा विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन, सबको अपना आंसर दो, तुम्हें क्या लगता है। ठीक है रचित, बाकी लोग भी तो आंसर, सबको तो आंसर, बाकी लोग क्या बोलते हो, सही है दूसरी, सही है समझ, वेरी गुड।
ये क्वेश्चन आ चुका होगा 2013 में, ठीक है, एंड द राइट आंसर इज थीटा। कॉमन सेंस की बात है, जिसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा है वो डिसाइड करता है कि वो कितना लिक्विड वहां पे राइज करेगा, है ना। मान लो कपड़ा है, अब मान लो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कपड़े का और वाटर का, अगर मान लो थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी आती है कि वो पानी ऊपर राइज करेगा, तो अब राइज करेगा तभी ना कपड़ा गीला होगा। मर्क्यूरी को तुमने रख दिया कपड़े के ऊपर, तो मर्क्यूरी जो होता है ना एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट और इसका जो होता है ना वो कभी उस पर राइज नहीं कर सकता है। अगर राइज नहीं करेगा तो वो क्या होता है, उसको गीला नहीं कर सकता। और जैसे देखो, अगर पता है एक चीज याद रखना तुमको, एक चीज और ठीक है यहाँ पे, कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे, कि मान लो जैसे अगर मर्क्यूरी हमने लिया ना अगर यहाँ पे कंटेनर में, तो मर्क्यूरी के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है वो, तो इसलिए क्या होता है 2s cos थीटा बाय r ρg। ये cos थीटा जो अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने से क्या होता है कि ये जो जो ऐसे जो मर्क्यूरी का जो लेवल होता है ना वो यहाँ पे श्रिंक कर जाता है, वो नीचे ऐसे आ जाता है, ऊपर मर्क्यूरी पर ऐसे होगा, ठीक है, और यहां से क्या होता है लेवल जो होता है नीचे आ जाता है एक्चुअली इस तरह, ठीक है। तो लेवल ऊपर भी राइज कर सकता है, नीचे भी राइज कर सकता है, ठीक है। ऊपर राइज करता है तो वो वेट करता है, नीचे राइज करता है तो वो वेट नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा। और जो एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, ये हमारे इम्प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। जब डिटर्जेंट डालते हैं तो उससे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज हो जाता है, जिससे कि वो कपड़े को बेटर वे से वेट भी कर पाता है, ठीक है। और वहाँ पे सरफेस टेंशन एक्चुअली ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैपिलरी एक्शन जो है पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे हम लोगों ने एंड कर दिया, ठीक है। हमारा फ्लूइड चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका हुआ है, बोर्ड का हमारा पूरा का उधर का हो गया हुआ है, ठीक है। और मैं ना कुछ तुम लोग को ना कुछ आज तुम लोग की कोई क्लास है क्या केमिस्ट्री की रात में 8 बजे? सर 7 to 8 मैथ्स है। ओके, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करके सेपरेटली तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है। और तुम लोग उस वीडियो को जब भी तुम लोग के पास फ्री टाइम हो, ठीक है, तुम लोग उस वीडियो को पूरी देख जाना। एक घंटे की वीडियो होगी, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे सुबह, ठीक है। जो भी तुम लोग को लगे कि ना उस वीडियो में तुम लोग को डाउट लगता है, तो उसका स्क्रीन शॉट ले करके ना मेरे को भेज देना, मैं तुम्हारा डाउट उस समय क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर तुमको वीडियो से, अगर मान लो ऐसा भेजूंगा अगर लेक्चर में, ठीक है, IIT के जो भी होंगे, तुम्हें अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगे तो मेरे को भेज देना। अगर तुमको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग वीडियो नहीं भेजूंगा, मैं तुमको लाइव क्लास भी वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी लगेगा डॉट तो मेरे को भेज देना। मैं कोशिश ये करता हूँ ना आज रात में या कल सुबह तक की मैं तुम लोग को एक वीडियो भेजूंगा, जिसमें कि IIT के जो मॉड्यूल्स है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन के हम लोग कुछ करेंगे सॉल्व, और तुम देखना तुमको समझ में अगर आता अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और कंफर्टेबल नहीं हुआ तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम से लाइव क्लास भी उसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय बाय देव, बाय टू एवरीवन, टेक केयर।